सत्कारयोग बीकेजू दुआबा के प्रधान सरदार मनजीत सिंह राय वो 10 मिनट वास्ते संगतां दे रूबरू होणगे ते अपने विचार पेश करनगे। सब तो पहले जिन्हें मेरे किसान वीर बैठे है मेरिया मातावां भैणां गज के बुलाओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। किसान वीरो ज्यों ज्यों गर्मी आउंदी है मैनू लगता भी ट्रालियां चो निकलना औखा लगता। इत्थे दी संख्या बताओ मैं हर वारी कहना हुंदा कि स्टेज तो मीडिया राही सब कुछ नज़र आउंदा ते फिर उन्हां नूं लगता कि इत्थे संख्या घट है। आपां किहड़ा हुण पाणी मोड़ने नके मोड़ने बैठण आए हैं इत्थे ते आके इत्थे बैठिया करो। पिछले फिक्र छड़ दिओ ट्रालियां च ताछां खेडणियां छड़ दिओ सवेरे शाम खेड लिया करो। जिहड़े वीर इत्थे बैठे ने ओह चंगी गल है वह बधाई दे पात्र ने वो घट तो घट अंदोलन शामिल तो ने। आपां शामिल होके भी शामिल नहीं होना उहदा की फायदा ट्रालियां च बैठिया का। इस करके सारे इत्थे आके बैठिया करो। साडियां भैणां बैठियां हाजरी भरदियां ते आप मैं हुण पिछों लंघ के आया वेखदा हां कई ट्रालियां च बैठे भी ताश के पत्ते उड़ाई जाते बैठे उत्थे खेडी जाते हैं। वो इत्थे आया करो वीरो जिथे भी मेरी आवाज़ सुनते हैं आके मंच ते बैठिया करो आके मोहरे बैठिया करो इत्थे दी गिणती बताओ। मैं दसना चाहुंदा ये अंदोलन तुहाडा अज हर एक मुल्क की हर स्टेट च जा रहा है और सारिया स्टेटा नरेंद्र मोदी नूं पता लग जू कि मैं इन्हां किसानां दी जमीन खोनी चाहुंदा है पर किते ना किते उहदी राजनीतिक जमीन खोलांगे। तकड़े रहो तकड़े रहो। साडियां भैणां जिवें आ रहीआं उह कहिंदीआं वी साडे हक इत्थे रख। इह सारिआं स्टेटां 'च हो रिहा है। कल असीं कलकत्ते सां बंगाल दे विच और उत्थे वड्डा इकट्ठ होइआ मेरे नाल सन उत्थे सरदार मनजीत सिंह धनेर रविंदर सिंह जी संयुक्त किसान मोर्चे वालों और साढ़े राजस्थान तो सके रणजीत राजू जी हरियाणे तो अभिमन्यू कुहाड़ जी। असी कल हाजरी उत्थे लवाई आ कलकत्ते वड्डा इकट्ठ होया उन्हें पहला रैली कढ़ी है और बीजेपी के खिलाफ कढ़ी है। उन्होंने इन्ना उन्होंने बड़पने नहीं भी आप पंजाब वाले पैसे हिक चौड़ी करते हैं कि असी लंगर लगाए ने बड़े खर्चे किए ने। पर मैं उत्थे देख के हैरान सी उन्होंने कैप बनाईया सी आ टोपी दे मोहरे जिहड़ी कैप हुंदी आ उह हर एक दे लगी होई सी नो वोट फॉर बीजेपी क्योंकि उत्थे इलैक्शन है। अज भी आगू अपने को जा रहे ने कल वड्डी उत्थे कॉन्फ्रेंस है कलकत्ते जगह जगह होणियां ने उड़ीसा च सद्दा है करनाटक च सद्दा है। कोई घबराउण दी गल नहीं जे सरकार लंबा खिंचना चाहती है तो अपने पैर खुआड़ा मार रहे ने। अगे तो पंजाब च बाइकाट कीता सी पंजाब च क्लीन स्वीप करते सफाया करता बीजेपी का आ नगरपालिका नगर निगम दीआं चोणां च तुसां ने पंजाब दे लोकां ने साडे शहरी भरावां ने और हुण ये बाकी स्टेटां च भी होएगा। बीजेपी का सफाया कर देंगे पूरे भारत चो। ये वो पार्टी है जिन्हें सब कुछ बेचण ते लाता है पूरा भारत गिर भी कर देना है। और बड़ा वधिया एक नौजवान ने कल पाया होया सी फेसबुक ते नरेंद्र मोदी की फोटो ला के कि भारत का सारा कुछ बेचता हुण बेचण वाले रह गए फौजी तो बेचण वाले रह गए अंध भगत। वो कहिंदा पर फिक्र ना करो तुहानू मैं जांदे आ कबाड़ दी दुकान ते बेच देना अंध भगतां नू। इस करके ये पूरा देश बेच देना इन्होंने फिर अखां खुलणियां इन्हां दीआं अन्ने भगतां दीआं जिहड़े बीजेपी दे अन्ने भगत है। इस करके घबराउण दी लोड़ नहीं तकड़े होके संघर्ष लड़ना है। तुसीं योधे हो मैं हर वारी कहिंदा हुंदा तुसीं योधे हो
तुसी जोड़े हो मन बना के बैठे हैं। मैं दसना चाहना तुसी विचे देखियो मेरे जथेबंदी का सर्कल है हुशियारपुर का, वो मकान बनाना शुरू करता उन्होंने। मैं पहले एक बार स्टेज तो कहा सी कि जो हम आया करे पंजाब तो ऑटो वाले क्या करूंगे तो मैं मोगे वाले के महल उतरना, मैं लुधियाण के महल उतरना, मैं बरनाले वाले के महल उतरना, ये महल बन जाने, इतने मकान बन जाने। तुम वेख लियो 3x18x18 के कमरे बन रहे हैं, पिछे एक स्टाई हुई है पक्के। सत श्री अकाल। पक्के मकान बना के और सेवा करने वाले ने कहता तुसी मकान बनाओ एसी असी लवा देने हैं। इनू भुलेखा नरेंद्र मोदी नू हुण तो रहायश कर ली। बाहरले मुल्क जाने पहला बच्चे पी आर लभदे फिर मकान लेंदे आ, असी तो पी आर ही आए हाँ ते हुण मकान बना ले फिर जाना कित्थे नू आ, इत्थे ही रहना है। जिन्ना चिर कानून रद्द नहीं हुंदे ये समझ लो नरेंद्र मोदी, तीन बोर हो गए, तीन बोर भी हो गए इतने पानी वास्ते, मकान बन गए, शौचालय बन रहे ने, एक सड़क जिहड़ी है किसे दिन मोदी लभूगा कि इतों की कोई सड़क लंघिया करती सी, कोई गल नहीं। जिन्ना कि नुकसान साडा करना आपां इत्थे प्लाट कट लैणे पूरा कर लैणा, घबराओ ना। साडियां जमीनां च बनाई सड़क, साडियां जमीनां च बनाई है सड़क, किसानों दी जमीन लेंदे जबरदस्ती सड़क कढ़न नू, साडियां जमीनां। मैनूं इत्थे इक सरा पुछण लगा है कहिंदा तुसीं मंजूरी लई जी किसे कोलो आ बोर कराउण दी मकान बनाउण दी। मैं क्या इन्हें किसानों तो मंजूरी लई सी बिल लिआउण दी, जे इन्हें मंजूरी नहीं लई तो असीं भी मंजूरी नहीं लवांगे, मकान भी बनावांगे बोर भी करावांगे इत्थे रहांगे। इस करके तकड़े होके हौसले बुलंद रखो, चढ़दी कला च रहना, चढ़दी कला च। एक कौम मुड़ने वाली नहीं। मैं प्रेस वाले नूं दस्या मरते जावांगे पर मुड़ांगे नहीं, मरना मंजूर है पर मुड़ना मंजूर नहीं, मर जावांगे मुड़ांगे नहीं। क्लीयर रखे इस गल नूं ऐन तकड़े होके, घबराओ ना। कई बार लगता है सानू भी लगता, मैं तां ही स्टेज तों बोल रहा सी कि इत्थे संख्या घटदी है जो ट्रालिया चो नहीं आते निकल के, ट्रालिया तो जरूर अपने साथियों को क्या करो चलो भाई नाल दी ट्राली वाले क्या करो भावे दूसरे जिले का हो, चलो चलीए मंच से आप इतने की गिनती ना घटाओ, एक एक दो दो बंदे ट्रालिया को रहा करो, इतने की गिनती बना के रखो। रोज दिसे मोदी अखा अड्डिया रहन रोज, बेशक उन्होंने प्रेस नहीं आती पर साडे लोकल वीर प्रेस वाले जिहड़े साडा साथ दिंदे ने ये पहुंच जाता उन्होंने को सारा कुछ, तो जो देख अखा अड्डिया रहन ये लगे कि उन्होंने जोश घटिया नहीं। लगता कई बार मैं एक प्रेस वाले ने पूछा हूँ जिते मकान बनता मेरे सर्कल का, मेरे जथेबंदी का सर्कल है, उत्थे प्रेस वाले ने पूछा कि कुछ निराशा जी लगती है कि सरकार मन नहीं रही। मैं क्या निराशा वाले लोग नहीं, मन चे तो होंगे, इन्नी निराशा जरूर है कि साड़ी चुनी हुई सरकार जिन्हों असी चुने देश के अंधातों ने चुने, अज वो अंधातों की बाह नहीं फड़ती, मजदूर ने चुने मजदूर की बाह नहीं फड़ती, यह निराशा है। होर कोई निराशा नहीं कि लंबा चलू कि चलू, यह निराशावादी लोग नहीं, यह आशावादी लोग ने। मैं क्या तुम्हें लगता कि मुड़न वाले ने आ देखो, मैं क्या 9 इंची दी कंधा कढ़ के दोबारा मकान बन रहे ने, गाडर लिया हुए ने फटे पा के, जिम्मे अगे फटे पा के तरपाल पा के चाह पा के इस तरह मकान बन रहे है। इस करके ये लोग मुड़ने वाले नहीं, भुलेखा है उन्होंने नरेंद्र मोदी नू। इस करके वीरो हौसला रखो, कोई गल नहीं, चढ़दी कला च रहो, नाल दे ट्रालियां नू बहुत फट फट के खिंच के ले आया करो, चलो उत्थे मंच ते चलीए। ताश खेडण दा भी समा तुहाडे कोल हुंदा है, मापणी जिहड़ी स्टेज है लगभग 10 बजे स्टार्ट होंगी है, जे कोई गुरु प्यारे सवेरे आना चाहते ने बड़ी चंगी गल है, वह भी हाजरी भरिया करो, पर 10 बजे तक ताश खेडी जाओ, दो फुलके खाने होंगे ने नाले, हम पता लगता है घर बीबियां तो दबके मार दे रहे हैं कि फुलका नहीं बनाया 10 बज गया की कर दी हूं तक, हूँ देखो ना अपना के
हूँ दस बजते तो फुलके नहीं बनते तो फिर इतने स्टेज वालू आते नहीं मेरे वीरों तड़के उठाया करो जिमें चार बजे बीबिया उठ के मधाणी पानी है सवेरे उठ के फुलके तैयार करके दस बजे स्टेज पर हाजिर होया करो घट तो घट चार बजे पांच बजे तक स्टेज पर हाजिरी भरिया करो मैं तो यह भी कहांगा बेस तो लंगर तुहाडे नाल चलता इतने उठ के छक लिया करो नहीं तो जिमें पहले समय च आप कि वांडे जाया करते तो फुलके नाल ही बने होंगे सी इतने ही फुलके छकिया करिए तो सारे वधिया पता लग जाए ये लोग मंच के अगों हिलन वाले नहीं इस करके तकड़े होके प्रण करके बैठो अंदोलन जित के मुड़ांगे ऐ नहीं मुड़ते पिछे चढ़दी कला जरिया करो तो हुण मैं दो चार नारे लाने आखिर फिर खिमा का जा चुकावगा किसान मजदूर एकता किसान मजदूर एकता बोले सोनिहो आ जो वीर दियां बहानी खड़िया हुई की गल तुम चढ़ती कला च नहीं है जे चढ़ती कला च है तो नजर आना चाहिए बोले सोनिहो इस तरह चढ़ती कला च रहना गुरु का थापड़ा तुहानू तुहाडी कौम नू पिछे मोड़न वाले नहीं चढ़ती कला च रहना वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह सच।